We will take a second example of butadiene. ब्यूटाडाइन में हमारे पास चार कार्बन एटम्स होते हैं, सो इट इज है C1, C2, C3 एंड C4 सिस्टम, सो दैट सिस्टम हैज फोर 2pz ऑर्बिटल्स, 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच कंबाइंड, दैट इज फोर 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड टू गिव फोर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फोर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके अलावा सिग्मा ऑर्बिटल्स भी काफी सारे बनते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। HMO थियरी हमारी सिर्फ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए ही होती है, सो एप्लीकेबल टू ओनली पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके जो HMOs होते हैं, दैट इज Huckel's मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कैन बी गिवन एज साय इज इक्वल टू A1P1 प्लस A2P2 प्लस A3P3 प्लस A4P4। इसमें A1, A2, A3, A4 के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो चेंज होंगे, एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव फोर डिफरेंट इक्वेशंस वी विल गेट। बट इसका जो सेक्युलर डिटरमिनेंट है दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इसमें जो हमारा फर्स्ट चार कार्बन एटम्स हैं, सो इट विल बी अ 4x4 सेक्युलर डिटरमिनेंट। अगर हम पहले कार्बन का देख रहे हैं, सो पहले कार्बन पे फर्स्ट बाय फर्स्ट पे यहाँ पे x आएगा, फिर उसका नेबरिंग C2 इज ए नेबर फॉर फर्स्ट कार्बन, सो इट विल बी 1। C3 इज नॉट ए नेबर ऑफ फर्स्ट कार्बन, सो इट विल बी 0। सिमिलरली C4 इज ऑल्सो नॉट ए नेबर ऑफ फर्स्ट कार्बन, सो वहां पर भी हमारा 0 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। सेकेंड कार्बन का जब हम देखते हैं तो फर्स्ट कार्बन इज ए नेबर ऑफ सेकेंड कार्बन, सो यहाँ पर हमारा 1 आएगा, सेकेंड कार्बन की जगह पे हमारा x आएगा। थर्ड कार्बन इज नेबर ऑफ फर्स्ट कार्बन, सो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, एंड फोर्थ कार्बन इज नॉट ए नेबर ऑफ सेकेंड कार्बन, सो 0। नाउ व्हेन वी गो फॉर थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे फर्स्ट कार्बन इज नॉट ए नेबर ऑफ थर्ड कार्बन, सो 0। सेकेंड कार्बन इज ए नेबर ऑफ थर्ड कार्बन, सो 1। थर्ड कार्बन पे हमारा x, एंड फोर्थ कार्बन इज ए नेबर ऑफ थर्ड कार्बन, सो 1। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन आर नॉट नेबर्स ऑफ फोर्थ कार्बन, थर्ड इज ए नेबर ऑफ फोर्थ कार्बन, सो 1, और फोर्थ कार्बन इज x। सो जो कार्बन हम देख रहे हैं, जो पोजीशन हम देख रहे हैं, वहां पर x लगाना है, उसके नेबर्स को 1 देना है और बाकी सबको 0 देना है। दैट इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द डिटर्मिनेंट, सेक्युलर डिटर्मिनेंट हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस इज इजियर, वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट द सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स। जिस कार्बन या जिस पोजीशन को हम देख रहे हैं उस पोजीशन पे x लगाना है, उसके नेबरिंग पोजीशन पे 1 लगाने और बाकी सब जगह पे 0 लगाना है। अभी हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वॉट वी कैन डू इज वी कैन डू इट x का ये जो 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, x से मल्टीप्लाई करो, देन माइनस 1 ये 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो एंड पुट इट देन 0 एंड 0, सो 0 एंड 0 वाले तो कट हो जाएंगे, उसमें कुछ रहेगा नहीं, बाकी ये दोनों का हमें सॉल्व करना है। सो वी कैन राइट इट एज x इनटू ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज x 1 0 1 x 1 0 1 x, तो ये डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना होगा, दैट इज जो x वाला जो टर्म है इसके लिए हमारा ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ, तो वो हमने यहां पर लिखा है -1 इंटू -1 इंटू हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट होगा 1 0 0, ये x वाली लाइन छोड़ देनी, ये 1 वाली लाइन छोड़ देनी, तो उसके बाजू वाला फिर ये 1 x 1 एंड देन 0 1 x, ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, इट विल बी इक्वल टू 0। बाकी के दो टर्म 0 से मल्टीप्लाइड है, सो ऑलरेडी वो 0 ही हो जाएंगे, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे। यहां पर हमारा होगा x इंटू दिस x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इंटू
1 into x minus 0, so x minus 0 minus 1 into, यहां पे ये x square minus 1 so that will be x square minus 1 minus 1 1 into x square minus 1 minus 1 into 0 into this and 0. So 0 minus 0. That will be equal to 0. So this will be x into x cube minus x plus 0 minus, this will be x square minus 1 minus 0 equals to 0. ये अगर हम इक्वेशंस को एक्सपैंड करते हैं तो हमें ये मिलेगा, देन दिस विल बी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये सारा, तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस ये 2x हो गया, तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये हमारा एक और x स्क्वायर हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारा इक्वेशन हुआ. This equation now we can solve it. ये equation solve करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? Let y equals to x square. Let y is equal to x square. अगर हम substitute करें, तो we will have it. This is x to the power of 4, so it will be y square minus ये x square is equal to y हो गया, so minus 3y plus 1 is equal to 0. This is our quadratic equation. तो ये जो इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसका जो सॉल्यूशन होगा, इट्स सॉल्यूशन और द रूट्स फॉर दिस कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला y इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें ए बी सी आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस y स्क्वायर y एंड दिस कांस्टेंट. दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी. सो दिस ए बी सी यू कैन सब्स्टिट्यूट इट हियर टू गेट द फाइनल इक्वेशन, दैट इज फाइनल सॉल्यूशन. बी हमारा यहां पे माइनस 3 है, सो माइनस इनटू माइनस 3 विल बी प्लस 3, सो 3 प्लस और माइनस अंडर रूट b square will be 9 minus 4 into a is 1 and c is also 1. So 4 divided by 2 into 1, that is 2. So this will be equal to 3 plus or minus under root 5 divided by 2. So we will have two roots. This is our for x we will have these two roots, that is 3 plus root 5 by 2 and 3 minus root 5 by 2. So these are the two solutions that we got it for y. We have y is equal to x square. So hamara originally y jo tha wo hamara x square tha. So that we can solve it further and we will get solutions. For x value, because x will be equal to under root or plus minus under root y. So it will be plus or minus under root y, that will be our solution. So this will be x from here what we get is plus or minus 1.618 and first solution, and second will be 0 point plus or minus 0.618. जो ये प्लस वाला सॉल्यूशन है इसका हमें मिलता है 1.618 और ये माइनस वाला जो सॉल्यूशन है इसका मिलता है
0.618, and these are both of them are plus minus, and so we will get x. This value we will get it. This will correspond to x1 and x2. This will be correspond to x3 and x4. Overall, हमारे पास चार x होने चाहिए, चार atomic orbitals हैं, so we will have 4x totally. So हमारा जो energies जो होगा इसका, those energies will be equal to, that is ground state, electronic distributions and its energies. We can get it as E1 equals alpha plus 1.618 beta. E2 is equal to alpha plus 0.618 beta. We know that beta is always negative. So plus wale terms ka energy kam hoga, minus wale terms ka energy badhega. So this will be alpha minus 0.618 beta, and E4 will be equal to alpha minus 1.618 beta. So this will be our four energy levels. And these four energy levels, E1, E2, E2, E3 and E4. So those four energy levels we will get it as, these four energy levels where our E, and this will be E1, E2, E3 and E4. And each of these atomic orbitals will be coming up with one electron each. So overall, हमारे पास चार pi electrons होंगे. तो वो चार पाई इलेक्ट्रॉन्स में दो E1 में जाएंगे एंड नेक्स्ट टू विल बी गोइंग इनटू E2, E3 एंड E4 विल बी अवर एम्प्टी. एंड आल्सो ये जो दो होंगे हमारे, ये प्लस वाले हैं, सो एनर्जीज इसका कम होगा अल्फा से. सो दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दीज टू आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए जो कि एम्प्टी हैं, और ये दोनों हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए जो दे आर ऑक्यूपाइड. सो ओवरऑल जो हमारा पाई बॉन्ड का जो एनर्जी होगा, सिस्टम का एनर्जी ई पाई, दैट विल बी इक्वल टू 2 × अल्फा, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, सो 2 × E1, दैट इज E1 विच अल्फा प्लस 1.618 बीटा प्लस 2 × अल्फा प्लस 0.618 बीटा. तो दिस विल बी इक्वल टू 4 अल्फा, दिस 2 अल्फा फ्रॉम हियर एंड 2 अल्फा फ्रॉम हियर, सो 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा. सो दिस विल बी अवर टोटल ओवरऑल पाई बॉन्ड का एनर्जी, टोटल दैट इज पाई बॉन्ड ई पाई, दैट इज टोटल सिस्टम का एनर्जी. पाई बॉन्ड का एनर्जी जो होगा, that is gain in energy by formation of pi bond, will be equal to this 4 alpha minus plus 4.48 beta minus 4 alpha, that is energy of the energy of 4 pz atomic orbitals. So usko hum isme se minus karenge to gain of energy we will get, that is 4.48 beta we will get it as the gain of energy. Overall इतना हमें energy यहाँ पर मिलेगा, और we will have जो HMO के जो coefficients होंगे, those coefficients will be secular, जो equations आएंगे that equations we can obtain it from our determinant. ये जो हमारा determinant था, ये determinant से हमें मिलेगा, यहाँ पे a1x plus a2 equals to 0 आएगा first equation. First equation will be a1x plus a2, because ये दोनों का 0, 0 है, second, third and fourth का. वैसे हम equations की यहाँ पे construct कर सकते हैं, secular equations we can construct it. And those will be a1x plus a2 equals to 0. Then we have a1 plus a2x plus a3 equals to 0. a2 plus a3x plus a4 equals to 0.
and A3 plus A4X equals to 0. So these are the four secular equations. Four secular equations of HMOs. इसमें से हम A1, A2, A3 and A4 के coefficients हम निकाल सकते हैं and these coefficients then can be written for psi1, psi2 and psi3, psi4. So this will be coming to 0.372 P1 plus 0.602 P2 plus 0.602 P3 plus 0.372 P4. ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. और ये एग्जाम में याद नहीं भी रहते हैं तो डजंट मैटर. सो वी माइनस 0.372 P3 माइनस 0.602 P4. Psi3 will be equal to 0.602 P1 minus 0.372 P2 minus 0.372 P3 plus 0.602 P4. And Psi4 will be equal to 0.372 P1 minus 0.602 P2 plus 0.602 P3 minus 0.372 P4. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि all plus यहाँ पे है, it is all plus, सारे coefficients हमारे positive है. यहाँ पे है plus plus minus minus, यहाँ पर है plus minus minus plus, और यहाँ पे plus minus plus minus. तो इसके इससे हमें पता चलता है कि इसका जो लोब्स जो होते हैं पी ऑर्बिटल्स के, जो डंबल शेप का जो लोब होगा उसका किस तरह से हमें ड्रॉ करना है. फर्स्ट वन में सारे ही प्लस वाले ऊपर आएंगे, सो दिस विल बी ऑल अवर साइवन. साइ टू जो होगा दैट विल बी प्लस प्लस माइनस माइनस. तो चार ऐसे लोग निकाल देने के, सो प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस जहां भी हो वहां पे ये शेडेड रीजन नीचे निकालने का. साइ थ्री इज प्लस माइनस माइनस प्लस, सो इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस. एंड साइ फोर इज प्लस माइनस, सो इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे जहां कहीं भी दोनों लोब्स का एक तरफ में आता है वहां बॉन्ड बनता है. सो दिस इज आवर बॉन्ड, यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड बनेगा. सो ये पूरा हमारा बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, ये यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन. साइड टू में दो बॉन्ड्स बनेंगे, साइड थ्री में सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, बाकी इसमें नहीं है बिकॉज नोड्स आ जाता है बीच में, ये साइन चेंज करता है. यहाँ पर ऐसा कहीं पर भी नहीं. So what we can do is we can draw the orbitals for this. We can draw the orbitals for this, shapes of the orbitals. This is psi1, c1, c2, c3 and c4. C1 mein 0.372 tha. C2 0.602, then again 0.602 and 0.372. So hamara shape hoga something like this. That is for psi. Or we can write it as like this. This is our psi one. Psi two jo hoga, that will be something like this, our cycle.
will be upper, then smaller, then smaller, and then higher, and like this. This will be our psi 3. We are drawing थोड़ा सा खराब है. Psi 2 and psi 3 will be ऊपर, देन दो छोटे, एंड देन अगेन अप, एंड देन सो दिस विल बी आवर साइड 3. एंड साइड 4 जो होगा दैट विल बी द मोस्ट इजीएस्ट टू सॉल्व. ऊपर नीचे दैट विल बी, दिस इज आवर सी 1, दिस इज आवर सी 2, दिस इज सी 3 कार्बन, एंड ये हमारा सी 4 का. यहां पर भी ये C1, ये C2, C3, एंड दिस इज आर C4. सो इसी तरह से हम यहाँ पे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस निकाल सकते हैं फॉर ब्यूटाडाइन. देन वी विल गो फॉर द लास्ट एग्जांपल, दैट इज बेंजीन. बेंजीन जो है that is shape of the benzene molecule is somewhat C4, this is our C5, this is C6, and then this double bonds हम अभी यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, but it is somewhat like this. Connectivity इस तरह की है. Here what we need to take it into consideration is कि यहाँ पे C1 और C6 के बीच में connection होता है. So, C6 का नेबर C1 होता है और C1 का नेबर C6 होता है. तो जब हम सेक्युलर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. ये बात को हम ध्यान में रखेंगे तो देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू ड्रॉ द सेक्युलर इक्वेशन. HMO जो इसका होगा, HMOs विल बी साई इक्वल्स A1P1 प्लस A2P2, A3P3, A4P4 प्लस A5P5 एंड A6P6. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स रहेंगे और उतना ही हमारा ये रहेगा. सो नाउ सेक्युलर डिटरमिनेंट फॉर दिस विल बी, सेक्युलर डिटरमिनेंट आ गया तो फिर उसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं. तो सेक्युलर डिटरमिनेंट हमारा रहेगा फर्स्ट, अगर हम देख रहे हैं पहले कार्बन का, तो पहले कार्बन में यहाँ पे एक्स आएगा, सेकेंड कार्बन इज नेबर टू इट, थर्ड नॉट नेबर, फोर्थ नॉट नेबर, फिफ्थ नॉट नेबर, सिक्स्थ इज अगेन नेबर. सो यहाँ पे हमारा वन है. सेकेंड कार्बन के लिए फर्स्ट इज ए नेबर, सेकेंड इटसेल्फ, थर्ड इज नेबर, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नॉट नेबर. थर्ड में यहाँ पे वन एच वन जीरो 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 वन एच वन जीरो 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 वन एक्स वन. लास्ट वाले में यहाँ पे वन आएगा बिकॉज सिक्स के लिए सी वन इज नेबर, देन जीरो 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 वन एंड एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज आवर सेक्युलर डिटरमिनेंट फॉर बेंजीन. 6x6 का मैट्रिक्स, 6x6 का डिटरमिनेंट है, इसलिए इसका सॉल्यूशंस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसके जो सेक्युलर इक्वेशंस हैं, दोज इक्वेशंस वी कैन राइट इट. सेक्युलर डिटरमिनेंट हमने निकाला, सेक्युलर इक्वेशंस इसके जो आएंगे, दोज इक्वेशंस आर, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन होगा ए वन एक्स प्लस बी वन का वन है, सो बी वन दैट इज ए टू, सॉरी ए टू, ए वन एक्स प्लस ए टू, बाकी के सारे जीरो, ए सिक्स इक्वल्स टू जीरो, ये पहला इक्वेशन. दूसरे इसमें ए वन प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इक्वल्स टू जीरो, ए टू प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इक्वल्स टू जीरो, ए थ्री प्लस ए फोर एक्स प्लस ए फाइव इक्वल्स टू जीरो, ए फोर प्लस ए फाइव एक्स प्लस ए सिक्स इक्वल्स टू जीरो. लास्ट वाले में ए वन प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो. ये हमारे छह सेक्युलर इक्वेशंस हो गए, इनको हम कोएफिशिएंट्स इसमें डाल करके
इनके इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करने में इतना सारा पूरा सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगता है, सो व्हाट वी कैन डू इज दैट द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड एज, वी विल राइट द डायरेक्ट इक्वेशन, डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड एज x to the power of 6 minus 6x to the power of 4 plus 9x square minus 4 equals to 0. And this can be factorized as, this can be factorized as x plus 2 into x minus 2 into x square minus 1 into x square plus 1 equals to 0. This leads to six solutions overall corresponding to six solutions or six energy levels, corresponding to six energy levels for us. That will be for x1 equals to minus 2, we will have e1 equals to alpha plus 2 beta. Then we have x2 equals to minus 1, e2 equals to alpha plus beta. X3 equals to minus 1, E3 equals to alpha plus beta, X4 equals to plus 1, E4 equals to alpha minus beta, X5 equals to plus 1, E5 equals to alpha minus beta, and x6 equals to plus 2, so e5 e6 equals to alpha minus 2 beta. These energy levels, okay, so this will be the lowest energy level. This is these two are having same energy level, so it is a doubly degenerate energies levels. Similarly, these are also doubly degenerate energy levels. This is highest energy level. Now this is the lowest, so corresponds to bonding molecular orbital, HMO. HMO corresponds to bonding molecular orbital. These are also bonding molecular orbitals. These are anti-bonding molecular orbitals because they are having minus signs over here. And these are having also anti-bonding molecular orbitals. So three anti-bonding molecular orbitals and two bonding molecular, three bonding molecular orbitals. So इसका जो energies होगा, energy levels जो हम graphically we can put it as this is our energy going in this direction, then we have E1, E2 and E3 are same energy levels, E4 and E5 are also same energy level, and E6 over here. So this is our E1, E2, E3, E4, E5 and E6. There are six atomic orbitals are there corresponding to six carbon atoms. So overall six electrons will be there, two in E1, two in E2 and two in E3. So overall हमारा इतना energies यहाँ पर आएगा. So this will be this is for benzene.